पहले मेरे पास एक बंदे का कंसल्टेशन आया था, उनको कैंसर था बट ही स्टिल वांटेड टू डू एनहेंस बॉडी बिल्डिंग। मैंने डायरेक्टली उनको बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ ये, क्योंकि एक मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे एक एक्सरसाइज का नॉलेज है, मुझे किसी को डाइट का मैं बता सकता हूँ, बट स्टिल एक जो डॉक्टर का जो सुपरविजन है उसकी मैं जगह नहीं ले सकता हूँ और कोई भी कोच नहीं ले सकता। सही बात है, सही बात है। बट लेट मी टेल यू, कैंसर वाले पेशेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी मसल बिल्डिंग बढ़ाए। नॉट यस सेलिंग कि भाई, ये नहीं मैं कह रहा कि स्टीरॉयड हर एक कैंसर वाले पेशेंट को लेना चाहिए, बट उसके कैंसर सर्वाइविंग के लिए बहुत, जितना उसके बॉडी में मसल मास होता है उतने चांसेस ऑफ सर्वाइवल उसके बढ़ जाते हैं, कैंसर किसी भी प्रकार का कैंसर हो। बिकॉज अल्टीमेटली कैंसर या उसके ट्रीटमेंट से जो ज्यादातर लोगों की डेथ होती है वो, और इसी वजह से होती है क्योंकि उनके मसल मास सब खत्म हो जाता है, एनोरेक्सिक हो जाते हैं, उनके ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, बिकॉज वो ऑर्गन के ऊपर जो मेन उसके ऑर्गन होता है वो ही खत्म होने लगते हैं, बिकॉज ऑफ दी मोर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडीज प्रोटीन कार्ब्स, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनका धड़ धड़ वेट कम होता है। सो यस, बॉडी बिल्डिंग और एक मसल बिल्डिंग का बहुत बड़ा रोल है कैंसर में भी, बल्कि हर हर बीमारी। तो सर, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये आया था कि आजकल हम देख रहे हैं जो लोग नॉर्मली जिम गोअर्स है ना, वो स्टेरॉइड्स लेते कुछ भी नहीं करते, रेगुलर अपना कार्डियो भी करते, हेल्दी हैबिट्स है उनकी और उम्र में भी कम है, यंग एज में, लेकिन स्टिल उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, जानना चाहती है ऑडियंस। ये जिम से कोई लेना देना नहीं है इसमें, ये तो आदमी गरबा खेलते भी मर रहे हैं, जी लोग स्कूल में मर रहे हैं, कई बच्चे मर रहे हैं, जो हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो इसको जिम से एसोसिएट करना ही गलत है। और उसका किसी एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्ट लेना देना है कि उनकी बॉडी में क्या बीमारी चल रही है जो उन्हें नहीं पता। अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके से रास्ते में गिर गया है तो वो रास्ते में या वो गाड़ी का या वो स्कूटर चला रहा है, उसकी कहाँ कोई गलती हो सकती है, उस आदमी के अंदर बीमारी है, जो उसे या तो उसे कोई सिम्टम नहीं आया, उसकी किस्मत खराब थी, या तो उसको कोई सिम्टम आया उसने इग्नोर किया। तो इसमें कोई लेना देना नहीं है बॉडी बिल्डिंग का, पहला पॉइंट है, कोई लेना देना नहीं है जिम का, कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके की एक्टिविटी का। आपको जरूर है कि अपने बॉडी के रेगुलर टेस्टिंग होने चाहिए, अगर आपके कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आपको ये देखना है कि एज कंपेयर टू बिफोर, कि 1 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले मैं जितना एक्टिव था, क्या मैं आज वही एक्टिविटी में मेरी सांस फूल रही है, क्या मुझे मुझे दर्द होने लग रहा है, क्या मुझे लग रहा है ये गैस का तो नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्या मैं थका थका महसूस कर रहा हूँ। ये बच्चे में भी होगा, छोटे बच्चे में भी होगा, आयरन की कमी नंबर वन रीजन है फीमेल्स में, बच्चों में आज के डेट में बहुत कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन। सो इग्नोरेंस ये सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से इश्यू आ रहा है, और बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो लोगों को इक्वली कवर करते हैं, इक्वली अफेक्ट करते हैं। आप उसमें पोल्यूशन डाल दो, उसमें आप कोरोना का जो वायरस आया था उसके वजह से कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग बढ़ गया, वैक्सीन का इफेक्ट डाल लो, कुछ वैक्सीन के इफेक्ट थे, उसके बाद में आप उसके साथ में आज की अनहेल्दी लाइफस्टाइल डाल लो, रात दिन लोगों की एक्सरसाइज नहीं होना, जंक फूड खाना, यू कैन नॉट ब्लेम वन थिंग, यू कैन ब्लेम द होल लाइफस्टाइल। सो यहां पर पॉइंट है कि लाइफस्टाइल खराब है और कुछ नहीं। तो इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट, यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज आ रही है फिर एकदम से हो। डोमिनो से भी ज्यादा ये किस्मत की बात है, नोबडी नोज। ऐसे भी लोग हैं जो सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं रोज के, और उनको कुछ नहीं हो रहा। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोरोना तक की एक सिम्टम तक नहीं आया, और ऐसे लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से बचे हैं और हर छोटी मोटी बीमारी में बार बार अस्पताल पहुंच जाते हैं। सो हर इंसान अलग है, हर इंसान को अपने शरीर के बारे में सोचना है, और हर इंसान को अपने शरीर को समझने के लिए टेस्ट कराने, क्योंकि अवेलेबल है ना, ऑप्शंस हैं आपके पास, टेस्ट कर सकते हो, 1, 2, 3, 10 डॉक्टर के पास जा सकते हो, कोई कनाडा यूएस में नहीं बैठा है कि डॉक्टर के पास जाने को ही 15 पता नहीं कितने महीनों की लाइनें लगानी पड़ती है। इंडिया में हो आप, खुशकिस्मत हो।
बिल्कुल, मैंने इस पर एक्चुअली वीडियो भी बनाई थी कि मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं कनाडा के, वो मतलब आज अगर अपॉइंटमेंट लेते, उनको ब्लड टेस्ट अगर आज कराना है तो उनको 20 दिन के बाद उनका सैंपल लिया जाता है और उसके 20 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आती है। यही प्रॉब्लम है, इंडिया में ऐसी चीज नहीं है, बट यस इंडिया में इससे एक दूसरी तरीके की प्रॉब्लम है। वहां पर केयर लेट मिलेगी, लेकिन केयर मिलेगी तो क्वालिटी में देगी, मतलब टेस्ट में हम ये मान सकते हैं कि टेस्ट में गड़बड़ नहीं होगी। इंडिया में उल्टा है, इंडिया में आप सस्ते पे जाओगे तो ऐसी जगह भी है जहां पर ऐसे ही टेस्ट उठा के दे दिया जाएगा, हाँ जाओ, फिर डॉक्टर के ऊपर आ जाता है कि भाई लॉजिक लगाओ कि ये पेशेंट है, इसके ये टेस्ट पॉसिबल है क्या, नहीं मुझे लैब में गड़बड़ लग रही है, फिर से कराओ। हर एरिया की अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है, और इस सिचुएशंस को हैंडल करना ही मेन हमारे डॉक्टरों का काम है कि भाई आप पेशेंट के लिए बेस्ट क्या है। सो ऑल यू नीड टू डू फॉर एवरीबॉडी इज टू फाइंड अ गुड डॉक्टर। यस तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स आपके पास भी कुछ एनहेंस बॉडी बिल्डर्स आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर कि सर हमें ये प्रॉब्लम नोटिस हो रही, तो आपने कोई ऐसी प्रॉब्लम नोटिस की जो सारे ऐसे केसेस में कॉमन थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपने नोटिस की और उससे कैसे डील कर? देखो, सारे लोगों को अगर हम एनहांस एथलीट की बात करें, एवरी एनहांस एथलीट विल हैव टू थ्री वेरी कॉमन साइड इफेक्ट, जो होगा ही होगा। नंबर वन इज हेयर लॉस। हेयर लॉस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी में नहीं हो। अगर कोई जेनेटिकली गिफ्टेड होता है तो उसके सिग्निफिकेंट हेयर लॉस नहीं होता, उसको दिखाई नहीं देता या उसको पता नहीं चलता, वरना हेयर लॉस इज अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट विच हैपेंस इन एवरी बॉडी बिल्डर और एनहांस्ड एथलीट। सेकेंड साइड इफेक्ट इज प्रॉब्लम्स इन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रॉब्लम्स इन लिबिडो, जो आता ही है, बिकॉज इट्स अ ये जिगजैग इफेक्ट है। आप अपने सेक्सुअल हॉर्मोन्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दे रहे हो और जब उसमें डिप आता है तो वो आपके इरेक्शन में, आपकी फीलिंग्स में, आपके लिबिडो में, आपके पूरे के पूरे काइंड ऑफ साइकोलॉजिकली डिप्रेसिव स्टेट में ले जाता है। ये जो जिगजैग फिनोमिना है, ये हर एक में देखने को मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना डोसेज लिया, कितना हैवी, कितने दिनों तक लिया, वो उतनी लंबी उसकी डिप चल सकती है। और वो चीज कई लोगों को साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर देती है, कई लोगों की मैरिड लाइफ में ऐसी तैसी कर देती है, कई लोगों का फिर उसके आगे जिंदगी जो है स्टेबल नहीं रह जाती, मन की शांति नहीं रह जाती। इतने सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं ये दो ही बड़ी बेसिक साइड इफेक्ट्स में, कि जो एक्चुअल मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो आता ही है, जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ेंगे, एवरीबॉडी जो जो भी कोई भी आप लेते हो तो आपका लिपिड प्रोफाइल डिनेज होता है, आपके लिवर पे साइड इफेक्ट होता है, बट दैट कैन बी अ टेम्पररी इफेक्ट। वो टेम्पररी है, वो वापस ठीक हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी डाइट सही है क्या, आपको गाइडेंस सही मिला क्या, आपके हार्ट पे इफेक्ट होता है, बट देन वो सारे इफेक्ट जो है वो टेम्पररी हो सकते हैं, लंबे समय तक साइकिल लेने वालों में वो परमानेंट बन सकते हैं, बट जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको रेडी रहना भी चाहिए। आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको समझ के आपके पार्टनर को रेडी रहना चाहिए, है ना। कई मॉडल्स होते हैं जो सोचते हैं कि मेरी अच्छी फिजिक बन जाए और बनी रहे और मेरे बाल भी ना जाए, सो सब कुछ चाहिए। एक्टर्स होते हैं जिनको चाहिए, बट सब नहीं मिलता है दुनिया में वो पॉसिबल। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक एनहैंस बॉडी बिल्डर अपने हार्ट को पूरी तरह से डैमेज होने से पहले कैसे बचाए? नहीं, ये गलत एस्पेक्ट है, ये गलत सोच है कि एनहांस एथलीट का हार्ट डैमेज हो जाता है। उसका हार्ट डैमेज नहीं होता, हार्ट अपने आप को एडजस्ट करता है, रीमॉडल करता है उसकी बड़ी बॉडी को, डिमांड को हैंडल करने के लिए। ओके, और जो भी वो अगर अपने बॉडी के अंदर प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, ग्रोथ हार्मोन, स्टीरोइड्स डाल रहा है, उसके इफेक्ट उसकी बॉडी के हर मसल पे आएंगे। हार्ट इज ऑल्सो अ मसल, एंड जो मसल आप, प्रॉब्लम क्या आती है पता है, जो लोग बहुत लंबे समय तक ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं और बीच में क्या होता है, वो कई बार बहुत अच्छे से साइकिल एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कई बार वो अच्छी इफेक्ट नहीं दे पाते, कई बार वो बीमार हो जाते, बट देन
उनका हार्ट तो फिर भी काम ही कर रहा है ना, उनका हार्ट थोड़ी बंद हो जाएगा, हार्ट रुक नहीं रहा, उस हार्ट को उतना ही ज्यादा एफर्ट उठाना पड़ेगा अगर आपका 10 किलो मसल मास बढ़ गया है या ओवरऑल बॉडी मास ही बढ़ गया है, चाहे वो वाटर वेट हो, क्रिएटिन भर के आपका मसल में भरे हो, सो योर हार्ट हैज टू लिफ्ट दैट वेट। एंड क्रोनिकली इसीलिए बॉडी बिल्डर्स के थोड़े बहुत सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनका थोड़ा बहुत मसल हाइपरट्रॉफी होता है, विच इज रिक्वायर्ड, विच इज हेल्दी फॉर दैट बॉडी बिल्डर। अगर आपकी मसल हाइपरट्रॉफी नहीं होगी तो वो मसल जल्दी डायलेट होके फेल हो जाएगी, हार्ट फेलियर के रिस्क बढ़ जाएगा। सो हार्ट के ऊपर जो इफेक्ट आते हैं ओवर टाइम, वो दो तीन प्रकार के, मसल पे इफेक्ट है और खून की नसों पे इफेक्ट है। खून की नसों वाला इफेक्ट है वो मेजर प्रॉब्लम है, वहां पर कोलेस्ट्रॉल मैटर करता है, वहां पे आपका जंक फूड मैटर करता है, आपकी लाइफ में रिलैक्सेशन है कि नहीं, अच्छी नींद है कि नहीं, स्ट्रेस कितना है, आप रात दिन सिर्फ ये सोच रहे हो कि मेरे को मेडल चाहिए मेडल चाहिए मेडल चाहिए, मेरे को नाम चाहिए मेरे को नाम चाहिए, या आप नो रिलैक्स, ऑल सो मेनी फैक्टर्स आर देयर जो डिटरमाइन करते हैं कि हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। और दूसरी तरफ हार्ट की थिकनेस है, हार्ट की पावर है, हार्ट का साइज है, तो एक एक एनहांस एथलीट को हार्ट के टेस्ट कराते रहने चाहिए ताकि उसके केस में कैसे बदलाव आ रहे हैं हार्ट में उसको पता रहे। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी और रेगुलरली ब्लड प्रेशर, पल्स रेट उसको चेक करना चाहिए। तो अगर वो इतना कर लेता है तो देर आर वेरी फ्यू एथलीट्स जिन जो आप मानोगे हार्ट अटैक से मरे हो, हार्ट फेलियर से मरते हैं, रिदम प्रॉब्लम से मरते हैं, हार्ट अटैक से नहीं मरते। हार्ट अटैक से कोई भी ये आप ढूंढोगे ना कि इतने इतने स्टंट लगे हैं, एक बॉडी बिल्डर को 3 स्टंट लगे हैं, 2 स्टंट लगे, ऐसे बहुत कम एथलीट होंगे जिनके स्टंट लगे हैं। मरते कैसे हैं? रिदम प्रॉब्लम से मरते कैसे हैं? बहुत ज्यादा पुश कर देने से, है ना, उल्टे सीधे इंजेक्शन, टर्मिन लगा लिया, एडिनोसिन लगा लिया और हार्ट रेट बढ़ा दिया 200, और उस तरीके की रिदम प्रॉब्लम से एकदम से हार्ट रुक गया। सो द प्रॉब्लम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यू नो कि कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, उल्टी सीधी चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। जी, एक फिटनेस एंथुजियास्ट का क्वेश्चन है। लेफ्ट चेस्ट में पेन है तो डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने कहा एसिडिटी की वजह से हुआ है, तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिटी एंड हार्ट अटैक? मतलब लेफ्ट साइड में अचानक से बहुत तेज पेन हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं नॉर्मल एसिडिटी की वजह से हो रहा है। देखो बहुत सिंपल है, अगर किसी छोटे बच्चे को होगा ना, 3 साल का बच्चा आके बोलेगा कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो हम क्या पूछेंगे? हार्ट अटैक थोड़ी सोचेंगे। या 10 साल का, सॉरी 3 साल छोटा हो गया, 10 साल का बच्चा बोलेगा यहाँ तो क्या किसी ने मारा, क्या चोट लगी क्या? और यंग एज में चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक इज वेरी लेस, अनलेस एंड अंटिल वो बहुत ज्यादा बुरी आदतें हैं, ज्वाइंट्स ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, मोटा है ना, उल्टे सीधे काम है, तो चांसेस कम है। बट देन ऐसा कोई बाई डेफिनेशन रूल नहीं है कि हार्ट अटैक होगा तो लेफ्ट साइड में ही पेन होगा, या वो गैस का ही है या वो हार्ट का ही है, वो एक क्लिनिकल जजमेंट होता है जो वो डॉक्टर आपके अंदर आते हुए देख के समझ जाता है कि हाँ ये आदमी आ रहा है, इसको कमजोरी है, इसको देख के ही लग रहा है कि इसके अंदर तो खून की कमी है, समझ रहे हो, देख के लग रहा है कि यार ये तो गैस हो सकती है मोस्ट लाइकली। लेकिन बाकायदा अगर आपको लेफ्ट साइड में या छाती में कहीं भी दर्द हो रहा है तो आपका कम से कम एक ईसीजी जरूर होना चाहिए, बाकायदा वो है, और अगर आपका कंटिन्यूअस पेन है तो आपका ईसीजी, एकोकार्डियोग्राफी और ट्रोपोनिन नाम का टेस्ट होता है, जो कार्डियक एंजाइम होता है, जो बताता है कि अगर पिछले 4 6 घंटे या 15 दिन में आपके हार्ट में डैमेज हुआ है तो वो पॉजिटिव आता है। तो हार्ट अटैक के लिए अगर कोई 15 साल का या 60 साल का या 80 साल का पेशेंट इंडिया के किसी भी अस्पताल में चले जाएगा इमरजेंसी में, तो उसका पहले ईसीजी होगा, उसका ट्रोपोनिन का टेस्ट होगा और उसको बताया जाएगा कि ये दोनों नॉर्मल है, तब भी दिया जाएगी उसको गैस का इंजेक्शन या गोली, लेकिन उसको बताया जाएगा कि ये टेस्ट आपको थोड़ी देर बाद फिर रिपीट करना है, ईसीजी में बदलाव आ सकते हैं। अगर वो हार्ट का है तो वो ओवर टाइम टेस्ट बताएगा, 100% गारंटी से कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बोल सकता शक्ल देख के कि हार्ट का नहीं है। ओके, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर का क्वेश्चन है, 27 एज है, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने 2D एको टेस्ट करवाया तब माइल्ड कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी नोटिस हुई उसमें।
तो क्या दैट इज ये पॉसिबल एब्सोल्युटली नेचुरल लोगों में? एब्सोल्युटली पॉसिबल। पॉसिबल क्या, मैं तो चाहूंगा कि मेरे अंदर माइल्ड कॉन्सेंट्रिक एलवीएच हो, मेरे खुद के अंदर हो, समझ रहे हो। आई मीन बी मी हैविंग अ टॉल बॉडी, मेरे 6 फुट की शरीर में जब आप 90-100 किलो के आदमी होते हो तो आपके हार्ट को आपके आप एक थाई मसल देखो, जो मोटे होते हैं उनकी थाई मसल या उसकी सॉरी काफ मसल इतनी डेवलप हो जाती है बिकॉज उनको इतना वेट उठाना पड़ता है। तो एक नेचुरल एथलीट होना या नहीं होना ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आपका हार्ट मसल मोटा होगा कि नहीं, डिटरमाइन करता है कि आपके हार्ट पे ओवरऑल लोड कितना है, आपके हार्ट पे लोड टोटल लोड कितना आ रहा है, दैट विल डिपेंड अपॉन आपका बॉडी वेट, आपका मसल मास, आपका उसके बाद में डिपेंड करता है कि वो हार्ट के जो फंक्शनिंग है, हार्ट के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है। कई लोगों की जेनेटिक भी ऐसा हो सकता है कि उनके जो हार्ट से बड़ी अयोर्टा निकलती है वो अयोर्टा आगे चल के थोड़ी सी दबी हुई है, कंजेनाइटली थोड़ी छोटी है, किसी की ज्यादा मोटी है। सो वेरिएशंस बहुत होते हैं, तभी तो पॉइंट आता है कि एक एज के बाद आप अपने टेस्ट कराओ कि आपकी जेनेटिक कंडीशन कैसी है। आप किसी का हाथ की मोटी मोटी नसें हैं, किसी की रिस्ट मोटी है, किसी की रिस्ट छोटी है, तो खून की नसें क्यों नहीं, किसी का वैसे ही हार्ट पतला मोटा क्यों नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो कोई जेनेटिकली ऐसे होते हैं जिनका हार्ट मोटा होता ही जाता है। सो स्टीरॉयड ही जरूरी नहीं है, बिल्कुल होता है बिना स्टीरॉयड के भी। हमने तो बुजुर्ग लोग देखे पतले पतले 50-50 किलो के, मुश्किल से इतने पतले, उनका हार्ट इतना इतना मोटा हो जाता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, नॉर्मल आदमी से 2 गुना 4 गुना मोटा, फिर उनको सांस फूलता है, समझ रहे हो। जी बिल्कुल। सर नॉर्मली हम देखते हैं कि जो लो एस्ट्रैडियोल लेवल से उससे भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी होती है, अगर बहुत ही क्रैश हो जाए तो सर आजकल की लाइफस्टाइल में वैसे ही लोगों के जो टेस्टोस्टेरोन लेवल से बैड लाइफस्टाइल की वजह से वो 200 के नीचे, कुछ कुछ लोगों के 300 के नीचे। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि कैसे लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी ओवरऑल जो हार्ट रिलेटेड कंडीशंस है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो ईस्ट्रोजन नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ये कह लो कि ओवर टाइम अगर आपने एक्सरसाइज छोड़ दी और आप मोटे हो रहे हो, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ रहा है। सो जितना बॉडी फैट लेवल्स होते हैं, आपके एडिपोसाइट फैट सेल्स एरोमेटेज एंजाइम बनाते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो मोटे होते हैं वो ज्यादा ईस्ट्रोजन बनाते हैं एज कंपेयर टू लीन पीपल। सो जो ज्यादा ईस्ट्रोजन का रोल क्या है, वो ईस्ट्रोजन एक्चुअली में थोड़ा सा कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। वो ईस्ट्रोजन कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट कैसे होता है कि वो जो एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से थोड़ा रोकता है, वो मदद करता है कि जो ब्लॉकेजेस हैं हार्ट के अंदर वो कम बने, वो थोड़ी कम बने। और इसीलिए फीमेल्स में जब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके बंद हो जाते हैं, जब उनके एकदम से ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, तब उनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है जब उनके ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है। ईस्ट्रोजन हैज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, इसीलिए जो लोग साइकिल भी लेते हैं उसमें जब वो स्टीरॉयड चूज करते हैं, ईस्ट्रोजेनिक स्टीरॉयड्स का ज्यादा कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट माना जाता है क्योंकि वो ज्यादा सेफ होते हैं अगर हार्ट के तरफ से देखें। तो अगर किसी को ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है या हार्ट के अंदर इश्यूज हैं तो उसके लिए ईस्ट्रोजन लेवल्स को ब्लॉक कर देना और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, समझे। तो ईस्ट्रोजन हैज अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट। अब अगर आप एक टेस्टोस्टेरोन लेवल देखें जो आपका लो जा रहा है, दैट इज बिकॉज योर बॉडी डजंट हैव द नीड ऑफ बिल्डिंग दोज टेस्टोस्टेरोन। आपकी मसल मास स्लोली कम होती जा रही है, आपका डिसयूज एट्रोफी हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर फैट लेवल्स बढ़ रहा है और वो फैट लेवल्स जो है ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। और एक लेवल के बाद देर इज नो नीड फॉर योर बॉडी टू प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। बॉडी में हर जगह फैट जमा होते जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है। अगर ये इंसान अपनी लाइफस्टाइल सही कर दे, एक्सरसाइज करना शुरू करे, तो नेचुरली इसका टेस्टोस्टेरोन डबल हो जाएगा, 200 से 400 हो जाएगा बहुत आसानी से। थोड़ा टाइम लगेगा डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, हमेशा फिक्स नहीं होता, एवरी डे इट कैन बी डिफरेंट। सो ईस्ट्रोजन इज गुड फॉर यू एंड टेस्टोस्टेरोन
कैन बिकम बेटर नेचुरली, ये मेन दो पॉइंट्स है। सर मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ एज अ कोच, तो काफी सारे जो प्रेप कोचेस है खास करके लोकल लेवल के, वो अपने क्लाइंट को तुरंत स्टैटिन्स प्रोवाइड कर मतलब रिकमेंड करते, प्रिस्क्राइब करते कि आपको अगर हार्ट को हेल्दी रखना है विदाउट ब्लड वर्क वो स्टैटिन्स चला देते। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखो, आपकी बॉडी में 80% कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बनाता है, 20% आपकी डाइट से आता है। तो जो लिपिड प्रोफाइल आपका है, अगर वो हाई है, तो आप नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बनाता है प्लस आपकी डाइट से आता है, वो सारा मिलके आपकी बॉडी में नए नए सेल्स जो बनते हैं, रिपेयर होता है, हार्मोन जो बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, दूसरे सारी कई चीजों के बनाने में इस कोलेस्ट्रॉल का यूज होता है। और बॉडी के अंदर लिटरली कई सारे मैकेनिज्म्स हैं जिसमें जो लाइपोप्रोटीन्स हैं या कह लीजिए लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल्स और इनके मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए बॉडी को वो बनाना जरूरी है। जब बात आती है कि वो कम कैसे होगा, तो सबसे बड़ा रोल आता है आपकी मसल मास का, मसल एक्टिविटी का। अगर आप अपनी मसल मास ज्यादा मेंटेन करते हो तो बेसल मेटाबॉलिक रेट आपका ज्यादा है, उसके साथ अगर आप कार्ब कम खाते हो या एक्टिविटी ज्यादा करते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अब डॉक्टरों के पास जब कोई पेशेंट आता है और उसके पास में उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उसको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा जो आती है वो आती है कि हम ये लिवर के अंदर जो 80% कोलेस्ट्रॉल बन रहा है उसको ब्लॉक कर सकते हैं स्टैटिन से। हम आपको पकड़ के दौड़ा नहीं सकते, हम आपको रोज आपकी डाइट कम नहीं कर सकते, हम आपके बाहर से आपको बोल देते हैं कम खाओ कम खाओ, खाते नहीं खाते। इसलिए स्टैटिन जो है वो लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बंद कर देता है। एक HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर होता है वो, तो वो बेसिकली करके वो हो जाता है। अब इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में कई लोगों को ओवर टाइम उनकी मसल मस्कुलर पेन, कई लोगों को ओवर टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस, कई लोगों को ओवर टाइम ऐसे मेजर साइड इफेक्ट्स, कई लोगों को लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर पे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डोज रिलेशन होता है, जितना ज्यादा डोज, जितने लंबे डोज पे लोगे उसके ऊपर। सो स्टैटिन्स आर नॉट वेरी सेफ। स्टैटिन्स से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है मस्कुलर पेन, मसल पेन होने लगता है हाई डोज में खासकर। बट यस, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, अगर आप एफर्ट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट सही कर रहे हो, फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही नहीं हो रहा, तब आपका स्टैटिन लेना वाजिब है, वरना नहीं। बिना चेकअप के, बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के बस अंधाधुंध स्टैटिन लेना गलत है। कई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स स्टैटिन लेते हैं, लेकिन वो अंडर द गाइडेंस लेते हैं, अंडर सुपरविजन लेते हैं, थोड़े दिनों के लिए लेते हैं, टेम्परेरी लेते हैं, या बहुत लो डोज लेते हैं। सो बिना सोचे समझे स्टैटिन लेना अपने लिवर पे या दूसरी चीजों पे डबल स्ट्रेस डालने वाली बात है, नहीं करना। इसके बाद जो नेक्स्ट ये यूज होता है सर, वो मैंने ये भी देखा है कि ब्लड थिनर्स का भी काफी ज्यादा यूज होता है लोकल लेवल पे। मैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो उसमें ज्यादातर एस्पिरिन वगैरह उसकी ज्यादा यूजेज की जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नॉर्मली ब्लड थिनर का बहुत कोई रोल नहीं है बॉडी बिल्डिंग में, एब्सोल्युटली कोई रोल नहीं है। हाँ, जरूर इतना है कि जब आप कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे होते हो तो देर इज अ इफेक्ट जो डोज रिलेटेड आपके बॉडी के अंदर कुछ क्लॉटिंग को बढ़ा सकते हैं। बट ये ध्यान में रखिए कि वो ब्लड थिनर जब हम ले रहे होते हैं तो वो आपकी क्लॉटिंग को या उस वो क्यों लेते हैं एक बॉडी बिल्डर के लिए नहीं दिया जाता, वो उसके लिए दिया जाता है कि खून के शरीर के अंदर अगर कहीं पर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वहां पे आके कोई क्लॉट ना आ जाए, कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। तो ये प्रिवेंशन उस पे है जिसमें प्राइमरीली कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई बॉडी बिल्डर को, जैसे कुछ बच्चे हैं जो उल्टे सीधे स्टीरोइड लेके उनको कभी एक स्ट्रोक हो रखा है, कुछ कभी कोई मिनी पहले कोई ब्लॉकेजेस के एविडेंस है कि यार मेरे पैर में क्लॉट बन गया था, तो उनके लिए लेना जरूरी है। पर अगर कोई एविडेंस नहीं है कहीं भी कोई भी क्लॉट का, तो बिना लॉजिक के लेना गलत है। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उस चीज के लिए लेना भी गलत है, बिकॉज ब्लड थिनर
कैन लीड टू साइड इफेक्ट्स। कौन से? आपके इंटरनली जब आप एक्सरसाइज करते हो यू आर डूइंग मसल इंजरी, आप अपनी मसल इंजरी में वहां पर इंजरी का लेवल बढ़ा दोगे, आपकी ऑर्गन डैमेज होने का रिस्क है। आप अगर उस ब्लड थिनर के साथ में उस समय एक हैवी स्टिमुलेंट पे, डिहाइड्रेट स्टेट पे कोई एक्सरसाइज करते हो, हैवीली कैफिनेटेड, हैवीली आपके अंदर एड्रिनलिन बढ़ा हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना इंजरी कर दिया, समझ रहे हो। और सेकंड रीजन जो लोग करते हैं कि क्योंकि उनके आरबीसी काउंट बढ़ जाते हैं, लोग जो स्टेरॉइड लेते हैं उनके आरबीसी काउंट बहुत बढ़ जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, उन्हें लगता है कि खून पतला करने की दवा दे दो, बट वो लॉजिकल सोल्यूशन नहीं है। खून जो इकोस्प्रिन है वो आरबीसी पे काम नहीं करता है, पहले बात तो वो, और प्लेटलेट अलग चीज है, आरबीसी अलग चीज है। तो उनको वहां पर जरूर ये चीज करने की जरूरत है कि अपने हाइड्रेशन को देखें, जरूरत पड़ रही है तो वो ब्लड डोनेट करें ताकि उनके आरबीसी काउंट, ब्लड लेवल्स नॉर्मलाइज हो। बिना सोचे समझे ब्लड थिनर लेना गलत है, उससे कुछ प्रिवेंट नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। और सर एक बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है, हम कोचेस कितना भी समझाए, एक जो प्रेप कर रहा है एथलीट उसको कितना भी समझाए कि चाहे आप बल्किंग करो, कटिंग करो, कुछ भी करो, अपना कार्डियो मिस मत करो, क्योंकि वो आपके ब्लड प्रेशर को सही रखने में काफी हेल्पफुल होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप और डिटेल में बता सकते हैं कि कैसे ऑन साइकिल कार्डियो, चाहे कोई बंदा बल्किंग भी करे या कटिंग साइकिल भी करे, तब भी उसे कैसे बेनिफिट कर सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड हियर कि देर आर टू थिंग्स हियर। कार्डियो का दो पर्पस हो सकते हैं। पर्पस नंबर वन कि आप अपने कार्ब्स को बर्न करना चाह रहे हो, लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो कर रहे हो। लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो करने की जरूरत बहुत सारे लोगों को नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो डाइट में ही उतनी कटिंग करके बैठे होते हैं, कार्ब लेते ही नहीं है, और बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनकी मसल बनी हुई होती है और वो मसल का बेसल मेटाबॉलिक रेट ही उतना है। तो लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो का आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे बहुत माइल्ड इफेक्ट है, इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो एवरेज पूरे महीने की बात हो जाती है, पूरे हफ्ते की बात हो जाती है। हफ्ते भर में अगर वो ये देखते हैं कि वो जिम गए, वॉक किया, यहाँ किया, चले घुरे, और 20 मिनट्स ऑफ एग्रेसिव वर्कआउट, वो जब जिम में इवन पूरे हफ्ते का देखोगे तो 6 घंटे आराम से उनका वर्कआउट हो जाता है, किसी को 12 घंटे हो जाता है। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के हिसाब से एग्रेसिव वर्कआउट्स विल आल्सो डू, बट द प्रॉब्लम इज उनकी हार्ट रेट उतनी तेज नहीं होती, वहां पर प्रॉब्लम है। दे आर नॉट रनिंग। आप बॉडी एज अ बॉडी बिल्डर अपनी रनिंग पे काम नहीं करते, और रनिंग ऐसा नहीं कि आपको बहुत लंबा 400 मीटर रन करना है, बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एथलीट को हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए, चाहे वो कटिंग पे हो, चाहे वो किसी भी तरीके की साइकिल पे हो। अगर वो सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आप कोई भी एक्टिविटी, रनिंग है, साइकिलिंग है, फास्ट कर लो, 1 मिनट का रेस्ट ले लो, और इसी चीज को 4 बार कर लो, तो मुश्किल से आपका 2 मिनट की वर्कआउट हुई। ये 2 मिनट की फास्ट वर्कआउट करने से आप अपने डेली बेसिस पे अपने हार्ट को ट्रेन कर रहे हो। ओवर टाइम आपकी एंजाइटी, आपकी बॉडी के अंदर कई सारी चीजें जो है वेल मैनेज रहेगी। एक तरफ LISS है, जहां हम दूसरे कई सारे एथलीट को देखते हैं, वो 20-20 हजार स्टेप्स कर रहे हैं, 18-18 हजार, 15-15 हजार, वो होता है कि एक लीन बॉडी मास मेंटेन करने के लिए। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि हाई हार्ट रेट, और फिर चक्कर आके गिरता है, बिकॉज योर बॉडी डजंट हैव दैट हैबिट ऑफ हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ अ हाई हार्ट रेट, सो वहां इश्यू आता है। तो एक बॉडी बिल्डर सर, जैसे हम मेडिकेशंस के डोसेज की तो ऑब्वियसली बात नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन एक ऑन साइकिल बॉडी बिल्डर ऐसे कौन से नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकता है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। ओमेगा 3 नंबर वन चीज है, फिश ऑयल्स जो नेचुरली हार्ट को हेल्दी करता है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका टेस्टिंग, लिपिड प्रोफाइल। दुनिया में सबसे हेल्दी हार्ट के लिए है स्लीप, नींद सबसे हेल्दी, जिसमें प्रॉब्लम है जी हो रहा है।
और ये फोन भी नहीं उठाएगी। दूसरे फोन से फोन कर लेते हैं उसको, कोई बात नहीं। जी हाँ हाँ वर्षा बताओ। ईसीजी में कुछ एक्यूट है? अभी यहाँ किस लिए आए हैं, हार्ट के लिए कि हड्डी के लिए? नाम क्या है पेशेंट का? ठीक है एडमिट कर लो, मैं आके देखता हूँ। ओके सो क्या बात कर रहे थे हम, सेफ हार्ट के लिए। नेचुरल सप्लीमेंट्स फॉर हार्ट हेल्थ फॉर ऑन साइकिल बॉडी बिल्डर्स। ऑन साइकिल, अगर पता क्या, कई ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो साइकिल भी चला रहे हैं, एक अलग से जॉब भी कर रहे हैं, चाहे जिम ट्रेनर की है, समझ रहे हो, घर पे बच्चे भी हैं और कमाई भी कर रहे हैं और कुछ तीसरा चौथा उनका वर्क भी चल रहा है, और अल्टीमेटली उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, साइकोलॉजिकल रेस्ट नहीं मिलता, वो सबसे बड़ा फैक्टर है हार्ट हेल्थ के लिए। दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रेशन। अगर आप प्रॉपर वाटर इंटेक नहीं लेते हो या प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेते हो, स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्कआउट, बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर वर्कआउट, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और पता है हम लोग हार्ट प्रोटेक्शन के लिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स पे जाते हैं, क्योंकि तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज बॉडी के अंदर ओवरऑल इन्फ्लामेशन को कम करती है। ओमेगा 3 करती है, अश्वगंधा करता है, कुछ और कई सारे कोएंजाइम Q10 है, कुछ और चीजें हैं जो जो एक्चुअली में कई सारी चीजें हैं जो करेगी, बट अगर हम देखें कि उनका टोटल इफेक्ट कितना है, बहुत कम है। जो मेजर चीजें करती है वो एट द एंड ऑफ द डे योर ओन बॉडी रेस्ट करे, पानी सही लो, डाइट सही लो, शांत हो, सेटिस्फाइड हो, खुद से रिलैक्स्ड हो, वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं। बट यस, बेसिक चीज आपको ऐड करनी चाहिए। अब अगर हम बोले CoQ10 लेना, CoQ10 बहुत महंगा सप्लीमेंट है, CoQ10 एक महंगी चीज है जो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, बट यस उसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता है, CoQ10 का मिलता है आपको, अश्वगंधा का मिलता है आपको, ओमेगा 3 का मिलता है, फिश ऑयल्स का मिलता है, काइंड ऑफ ओमेगा 3 हो गया। इसके अलावा वाइटामिन सी बहुत बड़ा इफेक्ट देता है, वाइटामिन ई बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, वाइटामिन डी बहुत जरूरी है, वाइटामिन डी ओवरऑल आपके लिए बहुत जरूरी है। सो ये सारी चीजें, जिंक, मैग्नीशियम, ये बहुत जरूरी है एक ऑन साइकिल बॉडी के अंदर कम ना हो जाए। सबसे बड़ी पॉइंट है कि उनके अंदर ये एक नॉर्मल रेंज के हायर साइड पे रहे, तब वो बेस्ट वो झेल पाएगा। और इस वजह से कि कई लोगों में ऑलरेडी कम है, इसलिए कई लोग दे देते हैं कि चलो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, बट देन दैट डजंट मीन कि इसीलिए लोग कई बार, मेरी भी आज भी बात हो रही थी कि लोगों को जब साइकिल की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि आपको जो स्टैक लेना होगा 25-30 हजार का, 50 हजार का पर मंथ, आपको सिर्फ साइकिल के जो चीजें हैं उनका ही खर्चा आएगा, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, जो एब्सोल्युटली रबिश है। इतना तो दूर की बात है, मुश्किल से 1,000 रुपए पर मंथ में आराम से साइकिल चल जाती है, मुश्किल से 1,000 रुपए पर मंथ में। 1,000 रुपए क्या होते हैं, 1,000 रुपए पर मंथ में बॉडी बिल्डिंग हो जाती है अगर आप बिल्कुल करना सर, चाहो जो तो। नहीं, एकदम बिगिनर है बिगिनर उनको एक नहीं, टेस्टोस्टेरोन जो प्रोफेशनल बाय की भी बात कर रहा हूं मैं, प्रोफेशनल लेवल पर भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी 1,000 रुपए में हो जाती है। अब डाइट की बात नहीं, डाइट तो घर पे खाओगे ना, अब तुम यस डाइट पीडी भी, हाँ सिर्फ पीईडी की बात कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइट तो घर पे खाओगे, खाना तो घर पे आपके बनता ही जी है, अब खाने का खर्चा थोड़ी आप उसी में वो डाल दोगे, बताओ। पीईडी की बात हो रही है, सप्लीमेंट की बात हो रही है, बट देन द पॉइंट इज कि लोगों को आज के डेट में इंडिया के अंदर दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी पीपल, लोग अपनी इनकम इसी से, अपना घर इसी से चला रहे हैं कि लोगों को साइकिल देना, जबरदस्ती देना और महंगी देना, और एक इंग्रेडिएंट जो एक्चुअल फार्मास्यूटिकल ग्रेड चल सकता है उसकी जगह चार अंडर द टेबल वाले नकली इंग्रेडिएंट या ऐसे इंग्रेडिएंट जिसमें आधे आधे प्रोडक्ट है वो देना,
और एक इंग्रेडिएंट जो 250 रुपए का आता है उसकी जगह 2500 रुपए का देना, या कई कई बार 25000 रुपए का देना, और वो चलाना उसमें से 10000 अपने। सो ये चलन चल रही है, बट अब फंस जाते हैं यंग लोग इसके चक्करों में। सो दैट इज द मैंने इश्यू। खुद ने देखा है सर कि ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले की बात है, किसी से मैं बात कर रहा था तो उसके रिलेशन में कोई है, मतलब कोच, तो उसने उसको बोला कि मैं तुझे पेप्टाइड दे रहा हूँ, तो बस जो मेडिकल में अवेलेबल है इंसुलिन, जो कि 1000-2000 का आता है, वो 25000 में दे दिया उसको, बाप रे। तो मेरा और पता बंदे है, ने ले भी और नहीं लिया। देखो, जब ये वाला वो स्टेज चल रहा है, जो एक लेवल था ना, जब आप किसी अनएजुकेटेड गांव खेड़े में जाओगे तो हर तीसरा बंदा अपनी भभूति लेके बैठा होता है कि मेरे पास इसका इलाज है, मेरे पास आओ, मैं ऐसे करके ठीक कर दूंगा, मैं लात मार के ठीक कर दूंगा, मैं कोनी मार के ठीक कर दूंगा, मेरे पास से ये दवा ले लो। और आज के डेट में कई जगह चल भी रहा है ये वाला अनएजुकेटेड ट्रेंड है जो यहाँ पर लोगों के चल रहा है। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग, पता है क्या, कोई भी ले लो आप, अल्टीमेटली जैसे आज के डेट में हम इसको कुकिंग से कंपेयर कर लें, तो एक सिंपल टेस्ट लाने के लिए अकेला नमक काफी होता है, अकेला नमक काफी बिल्कुल होता है। बहुत सारे अंग्रेजों से पता नहीं अजीबोगरीब मसाले डालने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही आपकी मसल को ग्रो करने के लिए अकेला टेस्टोस्टिरोन काफी है, अकेला टेस्टोस्टिरोन बहुत है एक बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल लेवल तक आराम से ले जाने के लिए। लेकिन लोग उसको नहीं समझते हुए 10 चीजें यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली फार्मास्यूटिकल ग्रेड चीजों की जगह अंडर द टेबल नकली चीजें यूज करते हैं। तो वो एक अकेली चीज अगर बंद हो जाए ना, अकेले वो बंद हो जाए, तो 90% साइड इफेक्ट उनके खत्म हो जाएंगे, 90%। बिल्कुल सर, मैं इस बात से 100% एग्री करूंगा, बल्कि इसके साथ साथ मैं मेरी खुद की, जो मेरी फर्स्ट प्रेप थी जो कि आपने देखी होगी, अनफिल्टर एनहेंस, मैंने हर डे टू डे चेंजेस बताए लोगों को जो भी साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, तो उसमें मेरा टोटल एनाबॉलिक लोड 500 mg था। लेकिन उसमें जैसे कि आपने बोला कि वो 500 mg 5 डिफरेंट कंपाउंड से आ रहा था, बट एट द एंड ऑफ दैट प्रेप मैंने नोटिस किया, जो मैंने फार्मा के टेस्टोस्टेरोन लिया था जिसकी पोटेंसी के बारे में मैं श्योर हूँ एंड इट इज बायो आइडेंटिकल, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स, क्योंकि हमें उसके साइड इफेक्ट्स पता है, उसके पाथवेज पता है कि किस तरीके से हो गए, और उनको कंट्रोल हम आराम से एज कर सकते कम्पेयर टू हैं। अदर कंपाउंड्स बढ़िया तरीके से कर सकते। तो आई डेफिनेटली एग्री विद दिस, और जो मेरी सेकेंड प्रेप होने वाली है उसमें भी मैंने डिसाइड किया है कि आई विल गो विथ बायो आइडेंटिकल कंपाउंड्स। एब्सोल्युटली। बल्कि आप देखोगे जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे होते हैं, उनका जो लोड होता है वो 1500 से ऊपर नहीं होता, हजार पांच यस सौ 1200 उतने पे ही खेलते हैं। और 1500 आदमी इन टेस्टोस्टिरोन वाले या नेंड्रोलोन कह लो आप, डेकोन, इन दोनों दो तीन प्रोडक्ट से आराम से पूरा कर सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल ग्रेड के होते हैं। यस सो यू डोंट रियली हैव टू गो विथ ऐसे स्टेरॉइड जिनके बारे में आपको भरोसा नहीं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। रादर इतनी सिंपलीफाइड चीज हो जाएगी अगर आप 1000 इंग्रेडिएंट 1000 चीजों को पढ़ने की जगह दो ही तीन ही चीजों को, बेसिक चीजों को समझो, उनके बेसिक इफेक्ट्स को समझो, आप बेसिक पे काम करो एंड यू गेट द रिजल्ट। बिकॉज सारा गेम आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड का है, सारा गेम आपका सिर्फ स्टेरॉइड का इतना सा इफेक्ट है कि आपका मसल बिल्डिंग की जो स्पीड है उसको बढ़ाएगा। और ऐसा पर्सन जो नेचुरली जरा भी मसल बिल्ड नहीं कर पा रहा वो स्टेरॉइड पे भी नहीं करेगा, जीरो बिल्ड होगा, कुछ नहीं बनेगा उसका, एग्जैक्टली बिकॉज उसकी प्रोसेस ही खराब है, उसका स्टिमुलेशन ही नहीं है, मसल स्टिमुलेशन ही नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट रॉ मटेरियल ही नहीं दोगे, प्रॉपर रेस्ट ही नहीं दोगे, तो कभी ग्रोथ नहीं होगा। सो ऑल दैट रिक्वायर्स इन अ नेचुरल एथलीट और एक एनहांस एथलीट इज दी अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक नेचुरल एथलीट भी उस धीरे धीरे टाइम लेके एक एनहांस एथलीट को कंपेयर कर सकता है, स्लोली एक लेवल तक, उसके ऊपर नहीं। बिल्कुल सर, मैंने खुद ने ये सोशल मीडिया पे अभी ये चीज नोटिस की है कि लोग सिरिंजेस को लेके वीडियोस बनाते हैं, 4-5 कंपाउंड लेके, और उनके वीकली डोसेजेस 1000 mg रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि वो आधे जबकि इन से ज्यादा चीजों नकली के है, आधे से ज्यादा नकली है, और उसमें 1000 की जगह मुश्किल से 200 mg का तो माल होता होगा, बाकी सब बकवास होता होगा। यस
वो मुश्किल से, प्लस वो बकवास चीजों से जो साइड इफेक्ट आते हैं वो अलग, कि यहाँ फोड़े हो रहे, वहां फुंसी हो रहे, वहां से तो पसी निकल गया, यहाँ चीरा मारना पड़ गया, पता है हम कितना सहते हैं फिर ऐसे वीडियो बनाते हैं बोल। बिल्कुल। तो सर सच में लिटरली, मतलब मेरे एक क्लाइंट है, वो जब मेरे पास आए थे तो उन्होंने पहले किसी और के कोच से पास से कोचिंग ली थी, तो उनका लोड इतना ही था, 1000। यस अरे मेरे भाई कौन है? हाँ सचिन क्या हुआ? हेलो हाँ विपिन सर, सचिन सर क्या है, मई है क्या? हाँ ठीक है, नॉरेट शुरू करो, बाईपैप लगा लो, प्रॉप्ट अप करो, ऑक्सीजन लगाओ, मैं आता हूँ 10 मिनट में। ठीक है ठीक है हाँ सारी बताओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक क्लाइंट आए थे मेरे पास जिन्होंने इससे पहले 1000 to 1500 mg तक यूज किया था। मैंने उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनका रिव्यू भी अपलोड किया है, एंड वी जस्ट यूज 300 mg ऑफ फार्मा ग्रेड टेस्टोस्टेरोन अंडर डॉक्टर सुपरविजन। ही वॉज शॉक्ड, मतलब ऐसे रिजल्ट बोले कि इससे पहले कभी भी नहीं आए। तो बिल्कुल ये जरूरी है, पहले तो डॉक्टर का सुपरविजन जरूरी है, उसके बाद फार्मा ग्रेड कंपाउंड का आपका बेस जरूरी है, जो कि आपने बहुत सही से एक्सप्लेन किया है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर उतना लोग अचीव कर ले ना, अगर इवन जो लोग, मैं ये नहीं कह रहा यार कि जो आदमी कमा रहा है, जो आदमी अपनी जिंदगी उस पे लगा रहा है, वो बंद कर दे कि भाई मैं आज से नहीं करूंगा, बट देन एटलीस्ट यार इतना तो लॉजिक रखो कि दूसरे की बुराई, दूसरे की ऐसी तैसी तो मत करो कम से कम, है कि नहीं? दूसरा बच्चे है, वट एवर लाइफ दे हैव, उनकी ऐसी तैसी करके तुम्हें क्या, 4 पैसे कमा के क्या कर लोगे तुम? सबसे बड़ा इशू ये है। सो यस इट इज इम्पोर्टेंट कि इस चीज के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पता है कि आज के डेट में नॉलेज देने वाले बहुत बैठे हैं कि हम ये नॉलेज दे देंगे, वो नॉलेज दे देंगे, बट देन दे डोंट अंडरस्टैंड कि उसके मिसयूज हो सकता है। ठीक है, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि सर आप एकेडमी चालू कर दो, क्लासेस शुरू कर दो। मेरे को लगा, मुझे अभी तक ऐसा लगा नहीं कि मुझे करना चाहिए, वर्थ नहीं लगा, ना ही मेरे पास में अभी वैसा कुछ है जरूरत करने वाली। बट या एक टाइम आएगा शायद वो चीज शुरू की जाएगी, क्योंकि अभी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अभी ये इंडस्ट्री अभी आगे चल के मैच्योर होएगी। जब ये मैच्योर होएगी तब जरूरत होगी एक्चुअली में कि लोग उस पर्टिकुलर चीज के नॉलेज के डेप्थ तक जाए। आज के डेट में लोगों को सिर्फ इतना समझ लेना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज एब्सोल्युटली गलत है और कौन सी चीज के साइड इफेक्ट्स हैं। जीरो साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, और आपको एक डॉक्टर से कनेक्टेड रहना जरूरी है। यू कैन नॉट डू अ एनहांस्ड बॉडी बिल्डिंग अलोन, इफ यू आर डूइंग इट आपका बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी खुद की जान खतरे में। बिल्कुल सर, वही तो सही बात के। और इस इंडस्ट्री में सर ग्रो करने के लिए आपके पास कई सारे रास्ते। अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करने से आपका घर नहीं चलेगा, ऑफ कोर्स इट इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, काफी पैसा लगता है इसमें। और ये मैं स्पोर्ट्स कहने के साथ साथ इसको एक शौक भी कहूंगा, जो मतलब आप अगर अफोर्ड कर सकते हो वो करिए, और जरूरी नहीं आपको इस फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो 365 डेज आपको कम्पीट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अभी एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है, सैम सुले, बहुत ही यंग लड़का है और आज तक हमारे इंडिया से भी मतलब शायद ही किसी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को खुद अर्नोल्ड ने अपने मेन अर्नोल्ड क्लासिक में बुलाया होगा, बट सैम सुले को इतने कम एज में उसको बुलाया गया। दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप अपने आप को 365 डेज कंटिन्यूअस हार्म किए बिना भी एक अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो और ग्रो हो सकते हो। सही बात है। तो सोशल मीडिया आने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। आज के डेट में लोगों का, अच्छी चीजें होंगी, धीरे धीरे होंगी, बट होंगी धीरे धीरे, लोग जो है ओरिजिनल चीजें और नकली चीजों में फर्क करना समझ जाएंगे। आज के डेट में जो चीज बुरी है वहां पर उस चीज से अच्छी चीज भी निकल आती है। जैसे लोग जोमेटो को
और स्विगी को बुरा मानते हैं कि भाई लोगों को खाना आसानी से मिल रहा है, लोग मोटे हो रहे हैं। लेकिन उससे एक अभी हमने अभी देखा कुछ दिन में, ट्रेंड बहुत अच्छा निकला है। लोग जो महिलाएं हैं जो अपने घर से होम किचन शुरू कर सकती है, होम क्या बोलते हैं उसको, वो रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, और वो क्लाउड अपने किचन। क्लाउड किचन बना के वो अपने घर से घर का खाना, मतलब सोचो एक एक जमाना ऐसा आएगा जब हर गली से एक या दो घर क्लाउड किचन चला रहे होंगे, और आप एज अ स्टूडेंट अगर कहीं जा रहे हो तो आपको घर का खाना पका हुआ मिलेगा एक क्लाउड किचन से। सोचो कि किसी के घर का खाना, आपको भी पता है कि हाँ भाई एक बंदा अपने जैसा घर का खाना खा पाए और बाहर का ना हो, किसी के घर से बना हुआ हो, तो वो भी तो एक अच्छी चीज है जो क्लाउड किचन बन जाएगा। वैसे ही एक टाइम आएगा जब ट्रेनर की जरूरत ही नहीं होगी, किसी को ट्रेनर की जरूरत नहीं होगी, हर इंसान अपना वीडियो बना बना के डालेगा कि देखो एक्सरसाइज मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, इसका ये साइड इफेक्ट, उसका वो। नोबडी विल नीड ट्रेनर्स, पीपल विल नीड, ये जो नॉलेज होता है लोगों को, सबको होगा कि क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। एवरीबॉडी विल बी हैविंग अ गुड फिजिक, बिकॉज फिजिक बनाना जरूरी भी है आज के डेट में। ऐसा कोई आगे चलने वाला, दो ही कैटेगरी के बच्चे होते हैं, या तो बहुत ही मोटे हो रहे हैं इग्नोर ही कर रहे हैं, या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो वो फिट होंगे। वो फिट होंगे तो वो ये ट्रेंड बनेगा ही बनेगा। एवरीबडी, मैं तो अपने जितने भी वो होते हैं स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, उनसे कहता हूँ कि यू हैव टू बी एक्टिव, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, और तुम्हारा जो मेन कमाई है वो बॉडी बिल्डिंग कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा मेन कमाई 2 मेडल लेने के बाद कभी नहीं हो सकता, 4 मेडल मिल जाएंगे तभी कमाई शुरू होगी, कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी मेन कमाई है तुम्हारा सोशल मीडिया, तुम्हारा नाम, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा जिम, तुम्हारा जो तुम्हें खोलना है, सप्लीमेंट स्टोर खोलना है, या जो भी तुम्हें करना है, वो लीगली अच्छे तरीके से ऑनेस्टली करो, तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। तो सोशल मीडिया बिल्कुल बिल्कुल बहुत सर, पावरफुल है और सोशल मीडिया पे जुड़ना जरूरी है सबको। बिल्कुल। और ये आजकल मतलब एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीज बोली जाती है, जैसे कि मैं कहूंगा कि एक बॉडी बिल्डिंग का जो एक फाउंडेशन है, कि एक पेस्ट्री समझ लीजिए, उसके 3 लेयर है, एक डाइट, वर्कआउट, रिकवरी, और उसके ऊपर जो चेरी हम समझेंगे पीडीज। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो चेरी है उसके ऊपर ही ज्यादा लोग ये करते हैं कि हाँ इसी वजह से ये बॉडी बिल्डर बना है, और बोलते हैं कि स्टेरॉइड लेके कोई भी बॉडी बना लिया। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल देना या नहीं बोलना या लोगों की मानसिकता बदलना आपका या हमारा काम नहीं है। लोगों को ये बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम उनके, जो लोग नहीं कर पाते, जिनका जो फेमस नहीं हो पाते, जिनका नाम नहीं बनता, वो दूसरे से हलते कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, उससे हमें या आपको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि इन लोगों की मान्यता को हमको बदलने की जरूरत ही नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारे ऐसे लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं या जो अच्छा समझते हैं और जो नॉलेजेबल समझते हैं। जो नहीं समझते हैं अल्टीमेटली कई बार वो खुद भी मानते हैं, लेकिन मुंह से, क्योंकि भाई कुछ उल्टा बोलना है तो मन में भड़ास है, भड़ास निकालने के लिए बोल देते हैं जैसा मर्जी। तो वो उनका तरीका है अपना इरिटेशन बताने का। बट अगर उनको ऑप्शन मिले कि वो अच्छी फिजिक, हमारे आपके जैसी फिजिक्स पा ले, तो पाना चाहेंगे, क्यों नहीं पाना चाहेंगे, समझ रहे हो। बिल्कुल, मोस्टली ऐसे लोग मैंने ये देखे कि जो खुद यूज करते लेकिन एडमिट करने से डरते, उनको मोस्टली जब साइड इफेक्ट्स हो जाते जैसे कि स्यूडो गायनोकमेस्टिया, पफी निपल्स, एक्ने, हेयर लॉस जैसा आपने बोला, उसके बाद सडनली वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, अचानक से वो अपने जो पुराने सिंस है उसको एडमिट करने का छोड़ के संत महात्मा बन जाने लगते हैं। वो क्या होता है, वो फिर उनको ऐसा लगता है कि बिकॉज जस्ट अगर हम ऊपर नहीं बढ़ पा रहे तो दूसरे को दबा दो कैसे भी। वो जी वाली, वो तो एक एक सोशली वो चीज रहती ही है, हमेशा रहती है दुनिया के अंदर, कि ऐसा चीज को कुछ नहीं कर सकते। बट देन वो मेंटालिटी, जो लोग देखो दुनिया में ना, सोशल मीडिया एक आदमी के पास तो जाता नहीं है, एक मोहल्ले में भी नहीं जाता है, दुनिया में जाता है। तो उस चीज के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे कंसंट्रेट करना जितना कम करोगे उतना सही। हाँ, जहां पर ये भी जरूरी है कि कोई आदमी गलत काम करके लोगों को बहला फुसला के गलत पैसे कमा रहा है, उल्टी ड्रग्स दे रहा है, नकली चीज दे रहा है, इस चीज को लाइन में लाइट लाना। जैसे अब मेरे वीडियोस आप देखोगे, मैं सारे एक्सपोज वीडियो, मिस इन्फॉर्मेशन के वीडियो बना रहा हूँ। तो वो चीज जी एक करना, एक इम्पॉर्टेंट है कि आप गलत चीज जो है उसको बताओ, लेकिन ये पॉइंट नहीं है कि मैं ही सही हूं और वो गलत है, ये गलत है।
ये गलत हो जाता है कि मेरा हिसाब किताब सबसे सही है और दूसरे सारे डॉक्टर गलत है, दूसरे सारे हिसाब किताब गलत है, वो सही नहीं है। बिल्कुल सर, ये मैंने आपके वीडियोस में भी देखा है, जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उनको भी आप मतलब रिस्पेक्टिवली आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, उनको एक्सपोज करते हो, ज्यादा उनको नीचा दिखाए बगैर, ताकि उन तक भी एक अच्छा मैसेज पहुंच पाए। भाई देखो पॉइंट है ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि लोगों को एक सही नॉलेज मिल जाए, बस मेरा पॉइंट ये है। अब अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड आ गया शॉर्ट्स का, और आप अगर शॉर्ट्स का या छोटी छोटे वीडियोस का, और जब उसमें लोग ऐसी धांसू बातें कर देते हैं कि चुटकी में ठीक, तुरंत इलाज, 2 मिनट में बॉडी बन जाएगी, 1 सेकंड में पतले हो जाओगे, ये करके देखो, तो वो चीज जहाँ 90% लोग या कह लो 50% लोग जो है वो मान लेते हैं कि बकवास है कुछ नहीं, एजुकेटेड लोग, वहां पे अनएजुकेटेड लोग जो है फंस जाते हैं। और वो अनएजुकेटेड लोग जो बेचारे एक्चुअली मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जिनको लगता है कि पतले होके या ये बीमारी से पता नहीं कितनी जल्दी ठीक हो जाना बेहतर है, वो ऐसे चक्रों में फंस जाते हैं। फिर उनके उनके बेचारे ना तो प्रोग्रेस कर पाते हैं, ना वो बड़े अपने पढ़ाई का पर ध्यान दे पाते हैं, ना कमाई पे ध्यान दे पाते, इनके चक्करों में फंस जाते हैं। सो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ पे सबके पास पावर आ जाएगा ना कि सारे की सारी दुनिया भर के लोग अपने तरफ से वीडियो बना सकें, तो करेक्शन करना भी लोगों का काम है, और वो उसी का काम है जो उस लेवल पर है कि हाँ भाई आप करेक्शन कर सको, है ना। बिल्कुल। तो सर थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे पॉइंट्स ऑडियंस के क्लियर हो गए, काफी लोगों को, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला। एंड वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कुछ एंड नोट में हमारे लिए कुछ कहिए देखो सबके मैं लिए। जितने लोग, हाँ जितने लोग एनहांस्ड हैं या बॉडी बिल्डिंग में हैं या जो फैट लॉस करना चाह रहे हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा, ये ध्यान में रखिए कि अगर आप एक बॉडी मसल, दो ही चीजें हैं देखिए, मसल बनाना और फैट कम करना, ये दो ही एस्पेक्ट है जो अगर किसी भी तरीके के बॉडी बिल्डिंग को देखोगे तो यही दो है, फैट कम करना, मसल बनाना। मसल बनाना नेचुरली होता है, फैट कम करना भी नेचुरली होता है। तो अगर आप इन दोनों ही चीजों के लिए एक के बाद एक, एक के बाद एक कोई ना कोई सपोर्ट लेने जा रहे हो और हर बार लेते हो, तो आप अपनी बॉडी को हार्म कर रहे, बस इतना समझ लेना। अगर आप एटलीस्ट एक चीज, एटलीस्ट एक चीज की फैट कम करना कम से कम नेचुरली कर लो, कम से कम वो धीरे धीरे करो, डाइट से करो, अनलेस एंड अंटिल आपका कॉम्पिटिशन है, अनलेस एंड अंटिल आपको स्टेज पे जाना है, अनलेस एंड अंटिल आपको स्टेज पे जाना है, फैट कम करने की दवाइयां लेना आपके लिए सही नहीं है। तुरंत फैट लॉस करना, उसके लिए किसी भी प्रकार के बहुत सीरियस वाले थर्मोजेनिक या टेकीकार्डिया, बिकॉज आज के डेट में किस इंसान के अंदर हार्ट की कितनी बीमारियां छुपी है नोबडी नोस। सबसे बड़ा पॉइंट ये है, कोरोना के वजह से हो या किसी भी मल्टीपल फैक्टर्स के वजह से, आप में से कौन है जिसके अंदर कब हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को नहीं पता। तो अननेसेसरीली अपने हार्ट पे टैकीकार्डिया करके, हार्ट रेट बढ़ा के, या उल्टी सीधी क्लेनबुट्रोल जैसी दवाई लेके, या फिर ऐसी कोई चीज लेके जिससे इजीली फैट बर्न हो जाए, ये सोच के करना ये सबसे रिस्की चीज है, ये ध्यान में रखो। इंसान अगर सिर्फ मसल बिल्डिंग सोच के डाइट को कांस्टेंट रखे तो वही रिजल्ट सही से आ जाएंगे, ये सेफ अप्रोच है। तो मैं इसीलिए इतने जितने भी लोग हैं उनमें से भी यही बताऊंगा, आप अगर मसल बिल्डिंग पे ध्यान देते हो, ये फैट बर्निंग वाली चीजें कम करो। फैट बर्निंग जो है ये एक बड़ा रीजन है जिसके वजह से एक्चुअली में हार्ट अटैक्स बढ़ सकते हैं, मसल बिल्डिंग के स्टेरॉइड के वजह से नहीं, वो रिदम प्रॉब्लम्स के वजह से। तो फैट बर्निंग वाली चीजें ना लो। और ये जो सर चीजें जैसे कि एफेड्रा हो गया, T3 हो गया, इसका ज्यादा आप यूज करते हो, और ये जो चीजें है ना ये मसल एट्रोफी भी करते हैं कुछ हाँ केसेस में, कुछ नहीं, खास हमेशा करके जब करते, कॉन्टेक्ट प्रेप पास में आते हैं। हाँ जी बोलिए हमेशा बोलिए करते, सर प्लीज। हमेशा। कोई भी फैट, कोई भी बॉडी बिल्डर जो है वो अपने पीक स्टेज से स्टेज पे एकदम ही फुस दिखता है, तो वो मसल लॉस होके ही वहां तक पहुंचता है। तो अब पॉइंट इज कि वो फिजिक पाना आपका गोल नहीं होना चाहिए, आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि हम बस फैट बर्निंग करके फटाफट फटाफट कटिंग करके सिक्स पैक्स एब लाएं और सिक्स पैक एब्स मेंटेन करें, फलाना ढमकाना, वो चीज स्लोली स्लोली पॉसिबल होती है एक अनुशासन के साथ। और जितने ज्यादा बड़े आप फैट बर्नर पे जाते हो, एफिड्रा जैसे, वो तो और ज्यादा रिस्की है,
एफिड्रा पे तो मैंने तुम्हें भी रोका था एक बार, इफ यू रिमेम्बर दैट, कि भाई वो जी चीज ना यूज करो, ये गलत है। तो वो चीज होना एक बहुत, बिकॉज ये एक पोर्टेंट, इतना पोर्टेंट चीज है एफिड्रा, जो किसी भी वक्त किसी भी 10 में से एक आधे की हार्ट रेट धक 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 इतना बढ़ा देगा कि उसके अंदर छुपी हुई बीमारी उसको ले डूब सकती है। तो ऐसी चीजें यूज करना बिल्कुल गलत है। हाँ, थायराइड के लिए या कुछ मेटाबॉलिक स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप कोई चीज लेते हो तो वो एक लिमिट तक चाहिए, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू योर बॉडी। कई लोगों को फ्लशिंग होती है, हॉट फ्लशिंग होती है, हार्ट रेट बढ़ रही है, और उसके ट्रेनर बोलता है कुछ नहीं, ये तेरा फैट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। गलत है वो, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल 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 तो चलो सर, फिर, बढ़िया लगा है यस ना, काफी बहुत लंबा। बढ़िया सर, यस यस सो अपना आपको भी सेफ रखो सारे लोग, और देखो एक हेल्दी डाइट अगर आप मेंटेन करते हो ना, तो आपकी फिजिक ही वो डोमिनो इफेक्ट दिखाएगी, और वो फिजिक वैसी मेंटेन रहेगी। ये बहुत अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक बैलेंस्ड डाइट रखना, और डाइट से बड़ा फैट बर्नर नहीं है दुनिया में, ये ध्यान में रखिए आप। प्लीज अंडरस्टैंड, नेवर नेवर डिपेंड अपॉन फैट बर्नर्स टू कट योर बॉडी फैट। डाइट, LISS, इज योर मोस्ट बिगेस्ट फ्यूल, आपके मोस्ट बिगेस्ट टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, एनहांस करने के लिए यूज टेक्निक्स, एंड देन अगर जरूरत पड़ती है तो कोई और सप्लीमेंट्स, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा सप्लीमेंट जो आप लोग अगर नहीं यूज करते हो, तो प्लीज यूज क्रिएटिन। क्रिएटिन को यूज करना शुरू करो, वो सबसे सेफ है, सबसे अच्छा है, उसको बिल्कुल भी बंद करना मत। अगर गलती से भी, ऐसे कई लोग आते हैं जो स्टीरॉयड ले रहे होते हैं पर क्रिएटिन नहीं ले रहे होते हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से दमा, कहाँ से नॉलेज लेके बैठे होते हैं, समझ नहीं आता कुछ। बिल्कुल सर, तो चलो फिर, बहुत कुछ है बात करने के लिए, बट अभी मुझे जाना यस पड़ेगा, यस सो एक यस, और बार सेशन कर लेंगे किसी दिन, ठीक है। जरूर जरूर सर, चलो, जरूर। आपने इतने इमरजेंसी की सिचुएशन में इतना कुछ बोला, उसके लिए सच में थैंक यू सो मच सर। चलो, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू बडी, बाय, यस टेक केयर, बाय बाय। यस यस।